नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। बिहार में सियासत भारी, जातीय जनगणना जारी, इसी पर होगी बात। सबसे पहले तो बिहार से खबर है। बिहार में जातीय जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है और घर घर जाकर प्रशासनिक टीम कर रही है सर्वे। पहले चरण में घरों की गिनती और सदस्यों की जानकारी ली जा रही है। ये पहले चरण का काम है। इसका पैमाना क्या होगा वो हमने आपको बताया था। ये देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो प्रशासन की टीम है जिनको ये काम दिया गया है। पहले चरण में जो गिनती की जा रही है, जो आवासीय मकान है, पहले चरण में आवासीय मकान उनको गिना जा रहा है। उन पर एक नंबर भी लगाया जा रहा है। घर घर जाकर प्रशासनिक टीम इस तरह से सर्वे कर रही है। ये जनगणना का काम शुरू हुआ है। फर्स्ट फेज में मकानों की गिनती होनी है और पटना में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, ये टीम के मेंबर हैं जो यहाँ पे जानकर। मैम, किस तरीके का फॉर्मेट है, किस तरीके से जांच कर रही हैं आप? पहले चरण में गणना करने के लिए आए हैं, तो इसमें हमें कुछ 10 कॉलम की जानकारी जो भी मुखिया हैं उनसे लेनी है। उनसे पूछना है कि उनका नाम क्या है, उनके घर में, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, इन सब की जानकारी हमें लेनी है। और इस प्रकार से हमें हर एक घर का गणना करना है जी। जैसे सवाल रहेंगे अभी मेरे पास 10, जैसे मुझे 10 कॉलम मेरे को दिया गया, तो इसी की जिसमें जो भी सवाल पूछे गए वो मैं उनसे पूछूंगी और उसको मैं अंकित करूंगी। ऑनलाइन भी करना था या फिर मैनुअली भी? नहीं, अभी तो हम मैनुअली ही कर रहे हैं जी, अभी नहीं। अभी क्या मार्क जो आपको करना है? मार्क देना है कि जैसे ये एक अपार्टमेंट है, तो ये एक भवन, हम इसको मानेंगे कि एक भवन है और इस भवन में कितने परिवार हैं या कितने घर हैं, उसे हम फ्लैट जैसे यहाँ पर है तो उसे कितने घर में हमें देना है, तो वो जितनी भी काउंटिंग है हम यहाँ 0 उनसे शुरू करके जो लास्ट होगा हमारा यहाँ पे परिवार, उतनी संख्या हम यहाँ पर लिखेंगे। 25 मकान है अंदर फ्लैट में, तो वहाँ पे हम भवन एक में 25 मकान का अपार्टमेंट में देंगे। मकान का गिनती करेंगे, जो अंदर उसमें जो रूम है ना उसका हम मकान में गिनती करेंगे। एक भवन में हमारे 25 है या 27 है, जो भी हो वहाँ पे हम काउंटिंग करके लिखेंगे। आप लैंडलॉर्ड हैं यहाँ? आप यहाँ पे फ्लैट हैं? हाँ जी सर। तो क्या आपसे क्या जानकारी पूछी गई? अभी तो ये लोग अपना नजरी नक्शा, अगर आप समझ रहे तो नजरी नक्शा बना रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर, जैसे कि ये एक मकान हो गया, इसमें जितने भी दरवाजे हैं, दरवाजा मतलब इसमें जो परिवार रह रहा है, अगर एक ही घर में अगर दो परिवार है, बीच से उनका आने जाने का रास्ता दो है, तो वो दो परिवार के रूप में उनकी गिनती होगी। देखिए, ये पटना में जो जनगणना का काम शुरू है उसको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से इनकी फॉर्मेट है, जो 10 जो सवाल है उसमें, और उसके बाद जैसे कि ये अपार्टमेंट है तो इसे एक भवन मानते हैं, उसमें जितने हर फ्लैट के जितने भी फ्लैट हैं, फ्लैट में जितने परिवार हैं उनकी संख्या इन्हें मार्क करनी है, ताकि आने वाले दिनों में जब फिर से इसकी जब इनकी जातीय जनगणना सब कुछ जब जो जाति फेज पूछेंगे सेकेंड फेज में, तो उसमें वो मार्का उन्हें मदद कर सके। कैमरामैन सिन्हा के साथ अमिताभ ओसा, पटना न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।